हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में यहाँ मैं खोपरे का चूरा, जो कोकोनट हमें पाउडर मिल जाता है बाज़ार में इजीली, 3 कप मैंने यहाँ लिया है। साथ ही उसके अंदर यहाँ मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर मिलाया है। यह मैं घर का बना हुआ मिल्क पाउडर ले रही हूँ, आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ 1 कप पिसी हुई चीनी इसके अंदर मिलाई है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको, सारे मिश्रण को एक बार हम अच्छे से मिक्सर में चला लेंगे, जिससे कि हमें हम एक स्मूथ सा पाउडर मिल जाएगा। अब लगभग आधे पोर्शन को मैंने अलग कर लिया है और उसके अंदर 1/3 कप कोको पाउडर मिक्स किया है। जिस कटोरी से हम नाप रहे हैं या चम्मच से हम नाप ले रहे हैं, बस आपको बस एक ही यूज़ करना है, भले ही आप मेजरिंग कप लें या घर की कोई भी कटोरी। उसके अंदर मैंने कोको पाउडर मिलाया है और उसको अच्छे से एक बार मिक्सर में चला लिया है। तो इस तरह से हमारा ये चॉकलेट वाला मिश्रण भी बनकर तैयार है। अब हम इसे दूध से बांधेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध हम चम्मच की सहायता से इसके अंदर 1 या 2 चम्मच डालेंगे और अच्छे हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते रहेंगे। हमें बहुत ही सावधानी से दूध का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा ये जो भी आटा हम लगा रहे हैं वो बहुत ढीला नहीं होना चाहिए, उससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। हम 1-1, 2-2 स्पून धीरे धीरे दूध इसमें से लेते जाएंगे और उसके अंदर मिलाकर आवश्यकता के अनुसार जितना हमें चाहिएगा उतना ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और एक कट्ठा सा आटा दिलाएंगे। यहाँ हम चाहें तो कुछ बूंदे चॉकलेट एसेंस की भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दूध जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। दूध फ्रिज से एकदम निकाल के या एकदम उबाला हुआ गर्म हमें यूज़ नहीं करना है। जो दूध हम शाम में फ्रिज में रख देते हैं उसकी मलाई हटा कर और फिर उस दूध को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हमें यूज़ करना है। इसी से हमारी बर्फ़ी या बाइट्स बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से हमने लगभग 1/4 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मेरा इसमें यूज़ हुआ है और यहाँ एक सख्त सा आटा हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से तैयार आटे को हमको थोड़ा सा मलना है और उसे 5-10 मिनट के लिए अलग रख कर छोड़ देना है। अब हमारा आटा जो तैयार हो गया है, इसी तरह से हम जो हमने प्लेन मिक्सचर रखा था वाइट, उसका भी हम यहाँ इसी तरह से बिल्कुल आटा बना लेंगे और चाहें तो उसके अंदर भी वेनिला एसेंस हम डाल सकते हैं। इस तरह ये मेरा आटा तैयार है। अब हमें इस तरह से थोड़े से फिंगर के बराबर कुछ रोल्स बनाकर उनको मैंने यहाँ अल्टरनेट चॉकलेट और प्लेन फ्लेवर में अरेंज कर लिया है और एक पॉलीथीन पे ग्रीस कर इस तरह से उन्हें थोड़ा सा रोल कर लिया है बेलन की मदद से। साइड से हम उसे प्रेस कर रहे हैं ताकि हमारे जो क्रैक्स हैं वो कम रहें। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम उसे थोड़ा सा बेल लेंगे। जितनी हमें हमारी बाइट्स की या बर्फी की थिकनेस रखनी है, बस उस तरह से हम इनको बेल लेंगे। दोनों कलर के पहले हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और फिर उनको इस तरह से हमने लंबी रिंग्स के रूप में बना लिया है, सिलेंड्रिकल शेप में। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नया शेप या डिज़ाइन आप अपनी दे सकते हैं। और यहाँ मैं आगे आपको, अगर इससे सिंपल हम मोदक या बर्फ़ी बनाना चाहें तो वो भी किस तरह बना सकते हैं वो भी बता दूंगी। बस इस तरह से हमने दोनों तरफ से पॉलीथीन रखकर अच्छे से अल्टरनेट कलर से हमने ब्राउन और वाइट हमारी बर्फ़ी को बेल लिया है। यहाँ मेरे पास ये मोल्ड्स हैं घर पे अवेलेबल, आपके पास कुछ हो तो आप भी इस तरह से भी इन्हें बिल्कुल बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिश्रण रखते जाइए, हल्का सा ग्रीस करें और प्रेस करके आप इससे अपने मनचाहे आकार की बर्फी भी बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से यहाँ मोदक का भी मेरे पास संचा है, तो अपन उसमें इस तरह से प्रेस करेंगे हल्के हाथों से
ग्रीस करके और फिर उसको बंद करके हम नीचे से भी प्रेस करके अच्छे से उसे मोदक का शेप दे सकते हैं। तो हमारे फेवरेट चॉकलेट मोदक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, हम इस तरह से बना सकते हैं। आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही इजी है। कुछ भी इसमें हमने फ्लेम गैस को चलाना, बनाना, सेकना, कुछ भी हमारा इसके अंदर एफर्ट्स नहीं लगे हैं और बहुत ही अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। जो हमने बर्फ़ी को रोल किया था उसको 10 मिनट मैंने फ्रिज के अंदर पहले सेट होने रखा था और उसके बाद मैं इस तरह से ये कट लगाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारे बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।